एक बार मेरे को 2010 की बात है, भोपाल में थी तब तक मैं, तो मुझे सपना आया कि गुरुदेव सो रहे हैं घर में। अब अपन मानव है ना, तो मेरे को लगा गुरुदेव की तबीयत तो ठीक है ना। तब तक जानते थे ईश्वर है, लेकिन फिर भी एक अपन इंसान के उसमें सोचते ना, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या बात है। लेकिन मुझे डीएसएन करना था, तो मैंने उस टीचर को, रश्मि भगत है, उनको फोन किया कि मेरे को फॉर्म भरना है। तो बोले दीदी मैं आपके घर आ रही हूँ। फिर वो 1:30 बजे तक नहीं आई, तो मैंने दोबारा कॉल किया। उसने आके बताया कि जो टीचर है उनका जगह का वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं परेशान हो रही थी, इसलिए नहीं आ पाई। तो मैंने कहा ये इतना बड़ा गुरु का घर है, तो आप देख लीजिए अगर वो टीचर यहाँ रुक सकते हैं तो। सच में वो लोग रुके। अगले दिन सुबह सुबह वो आए, और उन्होंने इतना मतलब खुश होके रहे। 3 बार भोपाल में आए, 3ों बार घर पे रुके हुए। तो ये भी गुरुदेव ने सेवा का मौका दिया कि सोते हुए दिखा रहे, तो बोले मेरे रूप में कोई ना कोई तुम्हारे घर पहुंच रहा है। और वो ही जिस बेड पे मैंने गुरुदेव को देखा, वही वो रहे। वो आनंद राजेंद्र जी थे, 3 बार कोर्स लेने वहां आए, फिर खुद ही बोले कि मैं उनके ही घर रुकूंगा, वीणा जी के। हम्म।